Ajay Alok, what went wrong in Jharkhand? What has gone wrong in Jharkhand? Why is the infiltration issue not worked for you? It's too early to say about Jharkhand right now. Why? Only 6 rounds of counting have been held and there are 20 rounds of counting. It's too early to predict. I'll say let's wait for till 1 p.m. till the trend settles, because out of that 51 seats, there are 18 seats where we are just trailing behind by 100 or 200 or maximum 500 votes. So that margin can be easily recovered. That's why Babulal Marandi is still confident. So I guess we have to wait till. I really understand. You know, you putting up such a positive face. I really like it, Ajay Alok. Tanvir here. उम्मीद पे दुनिया खाए में हारने के बावजूद आप कह रहे हैं कि झारखंड में थिंग्स होंगे वेरी नाइस तनवीर सी तनवीर द प्रॉब्लम विथ यू एंड द प्रॉब्लम विथ ऑल द अपोजिशन इज यू गाइस आर एब्सोल्युटली पेसिमिस्टिक इन योर एटीट्यूड मधुकल्पिता नेगेटिव मधुकल्पिता एंड यू डोंट रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल इन झारखंड वन मिनट मधुकल्पिता कैन यू हियर मी आप सुन पा रहे हैं मुझे कैन यू हियर मी मधुकल्पिता शी इज फ्रॉम पाकुर इन झारखंड लेट्स गो फुल फ्रेम टू मधुकल्पिता वेरी वेरी कलरफुल पॉलिटिकल सिचुएशन देयर टेल अस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू व्हाट इज योर इन्फॉर्मेशन इन पाकुर ओवरऑल इन झारखंड व्हाट इज द मूड इन योर कंस्टिट्यूएंसी एट योर लोकेशन मधुकल्पिता बॉस मैं अभी पाकुर विधानसभा का जहाँ पे काउंटिंग चल रहा है वहाँ के बाहर ही खड़ी हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा जो लोग हैं ये सब लोग सेलिब्रेशन के मूड में हैं अभी सभी लोग यहाँ पर हैं जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि एक एक काउंटिंग सेंटर से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसके मुताबिक ये लोग बहुत बड़ा जश्न मना रहे हैं मैं एक बार ये दिखाना चाहूंगा दिखाना चाहूंगी ये जो काउंटिंग सेंटर के अंदर का जो विजुअल है मैं वो आपको एक बार दिखाना चाहूंगी क्योंकि इस बार सभी लोगों का नजर था यहाँ पर ही अभी जो यहाँ पर काउंटिंग सेंटर है काउंटिंग सेंटर के सामने पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी है सिक्योरिटी टाइट कर दिया गया है क्योंकि जितने वक्त जा रहा है उतना ही इधर जो पार्टी का जो लोग है सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपना जश्न मना रहे हैं इसीलिए यहाँ का सिक्योरिटी पूरा टाइट कर दिया गया है मैं एक बार दिखाना चाहूंगी आपको इधर भी बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर भी खड़े हुए हैं सभी लोग एक एक करके अपडेट ले रहे हैं लेने के बाद ही यहाँ से जो जो भी जीत रहा है उसके बारे में ये लोग स्लोगनिंग दे रहे हैं मैं एक बार आप लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी अभी तक जो रिजल्ट है अभी तक जो ट्रेंड है क्या लग रहा है क्या होगा बीजेपी की सरकार बीजेपी बनेगी इस बार इस आलमगीर आलम निस आलम भारतीय इस बार आजादी सलाम जीतेंगे इस बार स्लोगनिंग हो जाए क्योंकि अब तक तो काउंटिंग चल रहा है एक एक करके इस बार मैं दावा से बोल रहा हूँ निसा आलम इस बार यहाँ से 70,000 वोटों से लीड करेगा आगे किसी का चलने वाला नहीं ना अकेला ना आलमगीर आलम जिंदाबाद आलमगीर निसा आलम इस बार 70,000 से ज्यादा मतलब यहाँ पे जो लोग हैं अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि जो जो पार्टी का समर्थक है वो कह रहे हैं कि उनका ही पार्टी जीतेगी इसी आत्मविश्वास के साथ ये लोग है